गल ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की करांगे। सो जिथे स्कूलिंग वीज़ा की गल आती है तो इतने पेरेंट्स नू अवेयर होने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है कि कितने तुसी जेन्युइन कंसल्टेंट को जाओ और जेन्युइन वे की है, जेन्युइन प्रोग्राम की है, वो चीज़ों नू समझना बहुत जरूरी है। सो आज आप एक बार फिर तो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की गल करांगे, पर नाल दी नाल जरूर दसांगे पूरे प्रोसैस बारे और केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखो जदों तुसी किते अप्लाई करन बारे सोचते हो, केड़ियां चीज़ां जरूरी होनियां चाहीदियां तुहाडी प्रोफाइल विच, तुहाडे बच्चे दे प्रोफाइल या तुहाडे पेरेंट्स की अगर आप गल करते हैं तो एक एक पॉइंट तुहानू जरूर समझावांगे। नाल ही जिहड़े रीसेंटली ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा दे वीज़ा लगे भी ने वो कुछ प्रोफाइल्स भी तुहाडे नाल जरूर सांझियां करांगे ताकि तुहानू पता चल सके किस तरह की प्रोफाइल्स के उपर चंगे ढंग दे नाल पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं। स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा नू लैके खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनगे नेविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तकरीबन 26-27 साल का मैम का एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के बहुत सारे चंगे तजुर्बे, बहुत सारे चंगे प्रोग्राम्स और बहुत सारी चंगी प्रोफाइल्स उपर मैम ने काम करके उन्होंने विदेश जाने का सपना साकार किया है। इस सब के विचकार ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की भी गल करिए बहुत चंगे ढंग मैम की टीम वालों काम किया जाता है। और मैम सब तो पहला ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग जो स्कूलिंग वीज़ा की गल आ जाती है थोड़े डाउटफुल कई पेरेंट्स नज़र आते हैं क्योंकि जो मार्केट में यह जे प्रोग्राम आते हैं जेन्युइन प्रोग्राम तो लोग काम करते ही ने जिवें तुहाडे वर्गे चंगे कंसल्टेंट्स ने, पर कुछ फ्रॉड्स भी सामने आ जाते हैं तो इस करके विश्वास नहीं कोई कर पाता कि स्कूल जाते बच्चे का भी की वीज़ा लग सकता है। सो इतने जरूर फर्क भी समझना चाहेंगे जेन्युइन जिथे अप्लाई करन स्टूडेंट और सही प्रोसैस किवें अगे सही प्रोसैस के नाल किवें अगे वधन, कि क्लास तो स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है, बच्चे की प्रोफाइल किस तरह की चाहिए है, पेरेंट्स की प्रोफाइल किस तरह की चाहिए है। देखो हरजोत, ये एक थोड़ा जा बड़ा समझन वाला काम है जी। असी जेड़े है ऑस्ट्रेलिया दे विच विक्टोरियन गवर्नमेंट, क्योंकि मेलबर्न तो सारे ही जानते हैं, मेलबर्न जेड़ा विक्टोरिया स्टेट दे अंडर आंदा है, विक्टोरियन गवर्नमेंट दी तरफ तो अथोराइज्ड कंसल्टेंट जी। हुण तुसी ये देखो कि जब असी सरकार दे नाल काम कर रहे हैं तो असी कदे कोई चीज़ हैंकी पैंकी तो कर नहीं सकते, राइट। इत्थे जेन्युइन प्रोग्राम है और जेन्युइन ही बच्चे जाने वाले है। साढ़े इत्थे प्रॉब्लम की है कि पेरेंट्स कहिंदे सानू भी भेजो, उस चीज़ नू मैं ज़्यादा डील एनकरेज नहीं करती, लेकिन मैं जरूर मदर का प्रोफाइल नाल लगा दिनी हाँ जो जाना चाहते हैं, इस करके कि ज इन्हों का कोई रैलेटिव रह रहा तो उन्होंने अपनी PCC देनी पैंदी, उहदे विच थोड़ा जिहा टाइम लग जाता, या तो इन्हों के रैलेटिवस रह रहे हैं वो अपने स्पॉन्सरशिप दे देन, अपनी PCC दे देन, तो असी जिहड़ा बच्चे का कल्ले का ला सकते हैं। जब मदर जाने की चाहवान है असी उन्होंने नाल लगा सकते हैं, लेकिन जाना तो एक चीज़ है, तुहानू फैमिली इनकम भी अच्छी शो करनी पेगी कि तुसी स्टूडेंट नू पढ़न वास्ते भेज रहे हो, तुसी अफोर्ड कर सकते हो स्टडीज़, तुहाडे कोल फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए है, ये दो चीज़ां बहुत जरूरी है। हुण जिहड़ा क्योंकि अजकल ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टाइट होया होया वीज़े च जिहड़े मेन जिहड़े यूनिवर्सिटी लैवल ते, तो ये वीज़ा सौखा निकल रहा तुहाडा स्कूल वाला, तो पेरेंट्स ये जरूर इंट्रस्ट लै सकते हैं। मैं कहनी हाँ जब बच्चा जो 10th विच है तो सब तो वधिया टाइम है, बच्चा 10th विच चलिया गया, 10th 11th 12th उत्ते कीती यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल गया, नैचुरल जब स्टूडेंट उत्थे पढ़ रहा जिन्नी कु स्कॉलरशिप जो अच्छा पढ़ता लै लेगा वो इस तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नू, क्योंकि लोकल पढ़िया तो उन्होंने स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा संभावना है और वीज़े की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उत्थे अनश्योर है। हुण 7th दे बच्चे का जिदा किराया तो उन्होंने 5 साल का वीज़ा दिता, +2 तक का वीज़ा दिता इन्होंने, इसी हिसाब नाल उन्हां दी जिहड़ी है ऑफर लैटर आती है और जब बच्चा फीस भरता उहदी जिहड़ी COE आती है वह उसी हिसाब नाल आती है, उन्ना ही लंबा इन्हों वीज़ा मिलता है। हुण जे आपां गल करिए इनकम की, इनकम एक जस्टिफाई होना चाहिए कि इन्नी इनकम है साडी कि असी अफोर्ड कर सकते हैं और साडे कोल फाइनैंशियल दिखाने तो 1 साल दे ही है कोई भी कंट्री दे विच, जे आप 1 साल दे दिखा रहे हैं तो 1 साल दे फंड्स इन्हां दे कोल थोड़े पुराने होने चाहिए है और इनकम एक प्रॉपर होनी चाहिए है। 5-5 लाख दी इनकम तो पेरेंट्स कर दी है, जे थोड़ी ज़्यादा होए तो होर अच्छा हो जाता है।
जी बिल्कुल सही है मैम। सो इतने अगो पेरेंट्स के सवाल कई बार ये भी रहते हैं कि सैशन विच किवें अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जिमें साडा इतों का स्टडी का पूरा सर्कल चलता है, एक सैशन पूरा कंप्लीट हुंदा, उस तो बाद कदों पहला तो ही अप्लाई करना पेगा ताकि फाइलिंग लई डॉक्यूमेंट्स लई तैयारी कर सकें। देखो जैन लास्ट है जी, इस टाइम जे जैन लास्ट नहीं होया हुण ते थोड़ा टाइम बहुत समा घट रह गया और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो जेडे स्टूडेंट जाने चाहवान है उन्होंने पेरेंट्स ये है कि उन्होंने के भेजना है, तो मार्च में सारे बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं। सपोज बच्चा नाइन्थ में पढ़ रहा है या एट्थ में पढ़ रहा है, तो इस टाइम क्लास कंटिन्यू चल रही है, तुसी उहदा एडमिशन जिहड़ा जुलाई वास्ते हुण ही करा लो, जिसका कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना होए। इन द मेन टाइम मार्च में वो एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो तुहाडा समा बचता जिहड़ा इत्थे 7-8 महीने लग चुके वह भी बच गए, तो उधर का भी टाइम तुहाडा खराब नहीं होएगा। एडमिशन दे टाइम सानू चाहिए पासपोर्ट की कापी, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल च पढ़ रहा तो सानू एक लैटर चाहिए कि स्टूडेंट जिहड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल च पढ़िया होया है, और 3 ईयर्स की मार्कशीट चाहिए। ये साड़ी मेन रिक्वायरमेंट है बिसाइड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल ठीक है मैम। सो मैं जरूर चाहूँगी कि तुहाडे कोल तां जिवें बहुत सारी प्रोफाइल्स उपर तुसी वीज़ा भी लिया आस्ट्रेलिया का स्कूलिंग वीज़ा की, जब आप गल करते हैं रीसेंट जिन्हों उपर वीज़ा लग के आए हूँ, मैं जरूर चाहूँगी थोड़ी प्रोफाइल्स आप जरूर डिस्कस करिए ताकि वीडियोज़ जिहड़े भी सारे वेख रहे चाहे आप पेरेंट्स की गल करते हैं वो समझ सकन चीज़ों कि किस तरह की प्रोफाइल सी, किवें तुहाडी टीम वालों काम किया गया और वीज़ा आया। देखो प्रोफाइल सही है, इनकम 10 to 15 lakh पेरेंट्स ने शो कीती कीती सीगी जी, हम दोनों पेरेंट्स की मनी है तो इन्नी क इनकम तो होंगी होंगी हर घर च होंगी है, है ना। फंडिंग उन्होंने को 6 month होल्ड पई सी, 3 months होल्ड की सानू लोड़ होंगी है, है ना। हुण किसी ने सेविंग की हुई है 25 to 30 lakh की सेविंग पई है या 20-25 lakh की सेविंग पई है, जिदे को जिन्ना सी उन्होंने सानू देता है वी पुट अप द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वैसे जी सा रिक्वायरमेंट है वो वीक लगती रिक्वायरमेंट होंगी है, 3 months ओल्ड हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूलिंग वीज़ा के इदा के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर स्टूडेंट का असं देखते हैं कि जो कोई भी होए तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे रिक्वायरमेंट वही है, उन्होंने कोई अलग कैटागरी उन्होंने पाया नहीं है। हम वैसे जोड़े ऑफिसर काम करने वाले वो सेम ही ऑफिसर है तो उसी हिसाब नू ट्रीट करते हैं फाइल न, तो साढ़े को 3 months ओल्ड फंड हो और नहीं है 3 months ओल्ड तो क्योंकि हजे तुसी ऑफर लैटर मंगवा के रख रहे हो इन्नी देर तुसी फंडिंग जड़ी अपनी पुरानी कर लो, मिन्ना तो ऑफर लैटर आंदे और जीटी जिदा इनकम टैक्स रिटर्न सॉरी तैयार करन च तुहानू लग ही जांदा नेक्स्ट इनटेक का, जब तक क्योंकि फैब इनटेक वास्ते जब तुहाडे कोल रेडी है फिर तो सारा कुछ दे दो, जे नहीं रेडी है फिर तुहाडे कोल जिहड़ा जुलाई इनटेक होगा। जी ठीक है मैम। सो जो मैं शुरुआत में गल की थी कि जो भी कोई इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे ने तुहाडे वर्गे चंगे कंसल्टेंट जिहड़े है स्टूडेंट्स नूं सही दिशा जरूर दिखाते हैं, पेरेंट्स नूं सही रस्ता जरूर दिखाते हैं, पर नाल दी नाल कुछ फ्रॉड करन वाले भी सामने आ जाते हैं। सो कई चीज़ा सुनने में आदि है जो स्कूलिंग वीज़ा के नाँ पर भी फ्रॉड हो जाता है, सो इतने तुसीं किहड़े पॉइंट्स से अवेयर होने लई पेरेंट्स नूं भी कहोगे ताकि उन्होंने। सब तो वड्डी गल तो मैं प्रोग्राम के शुरू से कहा कि असी गवर्नमेंट की तरफ तो रजिस्टर्ड हाँ, वह भी आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के विक्टोरियन स्कूल्स तो जी, असी सरकारी स्कूलों तो विक्टोरिया के जिन्हें भी टोटल जिन्ने स्कूल है विक्टोरिया के उन्होंने तरफ तो असी अथोराइज्ड हाँ, जो और डायरैक्ट इनकुआरी पाएंगे वो साढ़े को ही आएगी जी। तो सब तो पहली तो गल है कि असी जिहड़ा उन्होंने तरफ तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हुण ये तो कि 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सारे मेरी सर्टिफिकेशन हुई हुई है, कोई जिदा एरिए साड़ी एक एसोसीएशन होंदी है ठीक है, वो बाद साड़ा एग्जाम होंदा है ठीक है, वो भी साड़ी सारी सर्टिफिकेशन है, कंपनी इन्नी पुरानी है, हुण तुसी देखो इन्ने बाबियां च केड़ा सही बाबा लभना ते तुहानू ही बंदा है ना, वो असी नहीं कह सकते कि किदी ऐड लगी की होया, साड़ी बहुत पुरानी कंपनी है और इन्ने पुराने असी बैठे हुए हैं और काफ़ी सालों तो स्कूलिंग वीज़ा भी मैं तुसी देखो बहुत प्रमोट कभी भी नहीं किया होगा, जब जिस टाइम लगने शुरू होंगे थोड़ी असी ऐड दे दें क्योंकि लोगों को पता चल जाए, जिस टाइम घट होंगे उस टाइम असी ऐड घट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो तुसी और साढ़े को क्योंकि उधर आस्ट्रेलिया तो इन्नी इनकुआरी आ जाती कि साढ़े को शायद इन्ना टाइम भी नहीं होंगे बाकी करन का भी।
बिल्कुल। सो तुसी मैम दी जुबानी ही सुनिया है कि बिल्कुल उतों सरकार वालों ही इन्हां नूं इह काम करन दी जो है सर्टिफिकेशन मिली हुई है। सो बिल्कुल भरोसे दे नाल पेरेंट्स जो है आ सकते हैं अपने बच्चों के बैटर फ्यूचर के लिए। आस्ट्रेलिया अज के टाइम असी सारे जानते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड दे विच है, क्योंकि एक बैटर लाइफ दिंदा है आस्ट्रेलिया, एक चंगी स्टडी भी दिंदा है, बैटर लाइफ भी दिंदा है। सो अज तो ही स्टूडेंट्स दे लई यानी उन्होंने पेरेंट्स जिहड़े अज तो ही उन्होंने फ्यूचर की बैटरमेंट लिए सही डिसीजन लै सकते हैं इन्हां चंगीआं ऑप्शनस दे नाल। सो जिहड़े भी इंटरस्टिड पेरेंट्स ने आस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा बारे जानना चाहते हैं, वो डिटेल विच अपने बच्चे नूं लैके तुसी काफ़ी कुछ नवा सोचा होया या सोचना चाहते हो तो जरूर इस नंबर के उपर कॉल करके नैविगेटर्स ओवरसीज़ तो पूरी जानकारी दे नाल तुसी अगे वध सकते हो। समा घट रह गया जिवें कि मैम ने कहा कि जनवरी तक तुसी अप्लाई कर सकते हो। सो जल्दी डिसीजन लैन लई अगर तुसी मैम नूं मिलना भी चाहो तो नैविगेटर्स ओवरसीज़ ऑफिस भी विजिट तुसी कर सकते हो। होर सवाल होण तुहाडे कमेंट सैक्शन विच भी जरूर साढ़े नाल सांझे करो। बहुत बहुत थैंक्स मैम, तुसी हर बार की तरह अज भी तुसी बहुत वधिया ढंग नाल सारयां नूं गाइड कीता ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा नूं लैके भी। सो अगों भी असी स्टूडेंट्स लई उन्हां दे पेरेंट्स लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही सानूं दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।